आज की वीडियो में आपको शाहरुख खान की हेल्पलेसनेस के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अरेस्ट हो चुके हैं और अब उनसे कड़ी इन्वेस्टिगेशन जारी है। शाहरुख खान ने देश के सबसे अच्छे लॉयर सितेश माचंडे को भी हायर किया है, मगर आर्यन को फिर भी बेल ना दिला पाए। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को काफी समय से आगाह कर रहे हैं कि एनसीपी आजकल हर जगह रेड कर रही है, इसलिए बहुत सोच समझ कर चलना। अगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बात करें तो आर्यन खान शाहरुख खान के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। आर्यन खान हर वो काम करते फिरते रहते हैं जो उनका दिल करता है। आर्यन खान के प्लेबॉय इमेज के बारे में तो सब लोग ही जानते हैं, मगर ये बात आप लोगों को शायद ना पता हो कि कुछ साल पहले कौरी खान को ड्रग स्मगल के सिलसिले में रोका भी गया था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था तो उनकी बात फैलने से बच गई थी। अब जब आर्यन खान की फोन चैटिंग से ये बात सामने आई है, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के साथ सामने बात आई है, उस चैट में उन्होंने पैसों की लेन देन के मुतालिक भी बहुत सारी बातें की है। इससे ये केस साफ साबित होता है कि आर्यन कहीं ना कहीं इस ड्रग स्मगलिंग में हिस्सा है। शाहरुख एज अ हस्बैंड एंड फादर ये सब कुछ जानते भी है कि वाइफ और उनका बेटा क्या करते हैं, मगर फिर भी शाहरुख खान हेल्पलेस है क्योंकि दोनों इनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और अपनी मन की करते थे। पहले गौरी खान के कारण शाहरुख खान ने काफी प्रॉब्लम फेस की और अब आर्यन खान की वजह से शाहरुख खान प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन इस बार आर्यन खान की वजह से उन्होंने अपनी पूरी इज्जत ही गवा दी है। आर्यन खान ने अपने खुद का करियर के साथ साथ अपने फादर का करियर भी स्पॉइल कर दिया है। शाहरुख खान कहीं ना कहीं बिल्कुल टूट चुके हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते कि वो आगे क्या करेंगे और कैसे करेंगे और अपने बेटे को कैसे बेल दिलाएंगे।